नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। तो आज आपको जवाब मिलेगा उस सवाल का जिसके बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली IIM के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि इस समय भारत में कुल 20 IIM है और भारत में पहला IIM 13 नवंबर 1961 यानी कि 1961 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता के नाम से बना। इसका मेन कैंपस जोका कोलकाता में है। IIM जिसमें पढ़ाई करने का सपना हर एक स्टूडेंट देखता है। MBA करने के लिए ये भारत के टॉप कॉलेजेस है जो कि इंडियन एजुकेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज IIM कॉलेजेस की बदौलत ही स्टूडेंट्स बिजनेस फील्ड में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और जगह जगह जीत का परचम भी लहरा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि IIM क्या होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि IIM क्या है और इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, IIM में पढ़ाई करने के लिए आखिर योग्यता क्या है और बाकी इसकी पूरी जानकारी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले IIM का फुल फॉर्म यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में भारतीय प्रबंध संस्थान कहते हैं। वे इंडिया के प्रतिष्ठित संस्थान हैं और निश्चित रूप से किसी को भी इसका हिस्सा बनने पर गर्व होगा। विभिन्न राज्यों में कई IIM हैं और IIM के हर कॉलेजेस में लगभग 2400 सीटें हैं, जिन्हें पाने के लिए स्टूडेंट्स को हर साल कैट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो आइए अब आगे जानते हैं कि IIM में पढ़ाई करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी फील्ड से स्नातक को स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रबंधन के फील्ड में प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देते हैं। IIM में प्रवेश पाने की प्रक्रिया कैट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होती है। ये परीक्षा हर साल केवल एक बार दो स्लॉट में ली जाती है, एक बार नवंबर दिसंबर में आयोजित की जाती है। आपको परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और उसी के लिए लगभग 8 से 9 महीने की तैयारी करनी चाहिए। IIM में एंट्री पाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें हर साल लगभग 2 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार सीमित सीटों के लिए आवेदन करते हैं। तो आइए जानते हैं आगे IIM कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलता है। अगर आप MBA कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप IIM कॉलेजेस से MBA करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले कैट एग्जाम को क्रैक करना होगा, जिसके कई ऑनलाइन कोचिंग और कैट मॉक टेस्ट उपलब्ध होते हैं, जहां पर कैट मटेरियल भी आपको मिल जाता है। ये कैट एग्जाम हर साल नवंबर या दिसंबर के महीने में होता है। इसके लिए आपको कैट एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लगभग 1500 से 1600 रुपए की फीस में फॉर्म को भरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये एग्जाम इतना आसान नहीं है। जी हाँ, एग्जाम में पास होना टेढ़ी खीर है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप ये कैट एग्जाम क्रैक कर भी लेते हैं, तो उसके बाद आपको अगली प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना होगा। तो इन सभी प्रोसेस के बाद आप इन बेस्ट IIM कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कैट के अलावा एक और ऑप्शन है, आप IIM संस्थान में GMAT के द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन GMAT एग्जाम अदर कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए होती है। GMAT एक इंटरनेशनल एग्जाम है जिसके द्वारा कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक इंटरनेशनल MBA कॉलेज में एडमिशन लेकर के MBA कोर्स को कर सकता है। ये GMAT एग्जाम भी कैट की तरह ही होती है, इसके जरिए भी IIM में एडमिशन लिया जा सकता है। और अब हम कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्जाम के बारे में जानेंगे, ताकि आपको IIM में एडमिशन लेने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है कैट। CAT कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट। जी हाँ, ये एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। ये परीक्षा भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM के द्वारा आयोजित की जाती है। कैट के द्वारा छात्र व्यवसाय प्रशासन कार्यक्रम की पढ़ाई करते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। इस परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं होती है और जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज्यादा का स्कोर किया है, तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो कैट है, ये एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर सवाल के लिए 4 नंबर निर्धारित होते हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है।
सभी प्रश्न MCQ पैटर्न में पूछे जाते हैं। आपको जिस सवाल की पूरी जानकारी है आप सिर्फ उसी का जवाब दे, क्योंकि 4 सवालों के गलत जवाब देने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो आइए अब आगे जानते हैं कि कैट के एग्जाम में किस टाइप के सवाल कितने पार्ट्स में डिवाइड है और उनके कितने नंबर है। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 28 नंबर का होता है। दूसरा है वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो है 44 अंक यानी कि 44। तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो है 28 अंक। तो जब भी आप तैयारी करें तो इन तीनों पार्ट्स को दिमाग में रखें। आगे जानते हैं कि कैट की तैयारी के लिए कितना टाइम आपके लिए सफिशिएंट होगा। विशेषज्ञों और योग्य छात्रों का ये दावा है कि यदि छात्र स्मार्ट और गोल को साधते हुए अध्ययन करे, पढ़ाई करे, तो कैट परीक्षा की तैयारी के लिए 6 महीने का टाइम काफी पर्याप्त है। इस परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त स्कोर लाना आवश्यक है। पर्याप्त स्कोर का अर्थ ये नहीं है कि आप सभी सवालों के जवाब दें और सभी उत्तर एकदम सही हो। पिछले कुछ सालों में टॉप पोजीशन पाने वाले कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने केवल 6 महीने की ड्यूरेशन में रोजाना 2 से 3 घंटे की पढ़ाई की और परीक्षा को पास किया। इसके लिए आपको परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप भी ध्यान रखिए इन सभी बातों का, और आगे अध्ययन से पहले यानी कि पढ़ाई से पहले कैट के पाठ्यक्रम की जानकारी की बात की जाए तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को उस परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों से रिलेटेड पाठ्यक्रम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैट परीक्षा में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उनकी अधिक जानकारी पाने की कोशिश कीजिए। आपको इसके लिए पिछले कुछ सालों में हुए कैट के प्रश्न पत्र का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही आप इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं और कैट की तैयारी के लिए बाजार में उपलब्ध किसी भी अच्छे प्रकाशन की किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। आपके घर या आसपास कोई स्टूडेंट अथवा किसी कोचिंग संस्थान से आप मदद भी ले सकते हैं, जो कैट से संबंधित तैयारी में आपकी मदद कर सके या आपके सवालों को हल कर सके। तो रोजाना आप कम से कम 3 घंटे जरूर अध्ययन करें। रोजाना नियमित रूप से अखबार पढ़ें और न्यूज देखें। इससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेगी, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही कैट की परीक्षा पास कर लेंगे और IIM कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। वैसे हमारी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आप ही के साथ हैं, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर शेयर करें। साथ ही किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो मेरी मुलाकात होगी आपसे बहुत ही जल्द, लेकिन तब तक के लिए अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।